हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया, जो ईयर डिसऑर्डर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड में। ठीक है, डेफिनेशन इसकी, इट इज़ अ डिफाइन एज इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। जो मिडल ईयर होता है, जो बोन्स होती है उनका इन्फ्लामेशन होता है, उसको कहते हैं हम ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद इसके कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कोल्ड्स हो गया। इसके बाद सोर थ्रोट, जो गले के छाले होते हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद वायरस, जैसे कि रिनो वायरस और हर्पीस वायरस, एलर्जेन और ईयर डिजीज, को ईयर डिजीज है या ईयर सर्जरी हुई है उस वजह से क्या होता है ईयर डिसऑर्डर ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके जो साइन एंड सिम्टम है उसकी बात करें तो हियरिंग लॉस, ऑटोरेरिया मतलब येलो फ्लूइड सिक्रेशन फ्रॉम द ईयर, वर्टिगो, टाइनिटाइटस, ईयर पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये था हमारा साइन एंड सिम्टम ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब इसके पैथोफिजियोलॉजिकल की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस एंड एलर्जन। इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और बाय किससे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, URTI से, जिसके कारण क्या करें, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टियन जो ट्यूब होती है एयर में, उसका इन्फ्लामेशन करेंगे। इसके बाद कॉजिंग साइन एंड सिम्टम, जो साइन एंड सिम्टम उसको शो करेंगे, और कॉजेस्ड ओटाइटिस मीडिया, ये जो ओटाइटिस मीडिया होती है उसको, जो डिजीज है उसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं, इसमें वो है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट एंड ऑडियोग्राम, एक्सरे, मेस्टोइड जो मेस्टेड बोन होती है उसका एक्सरे करना, कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट, जो कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट है वो करना। ये था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब जो आगे जो है हमारे नेक्स्ट वन, वो है टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ सीवियरिटी, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग भी दे रखे हैं। तो ये हमारे तीन जो है वो दे रखे हैं ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद ओटाइटिस मीडिया टाइप फर्स्ट बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर बाय स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, मतलब जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, उसके कारण क्या होता है, जो मिडल ईयर होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद वायरल ओटाइटिस मीडिया, वायरल ओटाइटिस मीडिया जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर बाय वायरस, वायरस के द्वारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। एलर्जेंट ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर बाय द एलर्जेंट, जो एलर्जेंट होते हैं किसी के कारण, उसकी वजह से क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस होते हैं। अब लास्ट जो हमारे इसमें ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, वो है ट्रोमेटिक ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर बाय ट्रोमा और सर्जरी, किसी सर्जरी या फिर ट्रोमा के कारण जो मिडल ईयर होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसके टाइप की बात करते हैं, वो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मीन्स नॉर्मल एंड माइल्ड फॉर्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया, सेकेंड है मॉडरेट, मॉडरेट फॉर्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया, और सीवियर, सीवियर फॉर्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ये था हमारा सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इट इज ऑल्सो नाउन एज प्लूरेंट ओटाइटिस मीडिया या सुपुरल्टी ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज अक्यूट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर म्यूकस फॉर रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन,
15 to 20 डेज, मतलब जो इन्फ्लामेशन होता है अक्यूट होता है 15 से 20 दिन के लिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ईयर की वो रैपिडली इन्फेक्शन होता रहता है उसका। ठीक है, अब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की बात करें, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर विथ टिश्यू डैमेज, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है टिश्यू डैमेज हो जाता है उसके, इन्फ्लामेशन मिडल ईयर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, जो इन्फ्लामेशन होता है वो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 to 3 मंथ, 1 से 3 मंथ के लिए क्या इसका इन्फ्लामेशन होता है। अब मैनेजमेंट की बात करते हो, मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक जो ईयर ड्रॉप्स है वो प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद डीकोगुलेंटेट्स जैसे रिमूव ऑफ डिस्चार्ज, जो फ्लूड होता है उसको डिस्चार्ज करेंगे फ्रॉम द मिडल ईयर्स, जो मिडल ईयर है वहाँ से उसको फ्लूड को डिस्चार्ज करेंगे। ओरल टॉयलेट, इसमें क्या होता है कलेक्टिंग फ्लूड या डिस्चार्ज को एब्जॉर्बेबल जो कॉटन स्वेब होती है उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं ओरल टॉयलेट कहते हैं। ठीक है, अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो टिम्पेनोस्टोमी, इसका इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द वाइट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको चौड़ा करके रिमूव करते हैं, ठीक है रिकवर कर देते हैं उसको। इसके बाद मेस्टेक्टोमी, मेस्टेडेक्टोमी, इन दिस प्रोसीजर सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द मेस्टोइड बोन, अब इसको क्या कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिरिंगेटोमी, मिरिंगेटोमी भी इसको कहते हैं। तो ये था हमारा ओटाइटिस मीडिया, जिसमें डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम और हमने इसके पैथोफिजियोलॉजिकल और इसका मैनेजमेंट पढ़ा। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।